जिले के धरनावदा इलाके में पंचायत का तुगलकी फरमान सामने आया है, जिसकी सजा प्रेमी युगल को भुगतनी पड़ी। इसमें महापंचायत में प्रेमी युगल की शादी का फैसला तो सुना दिया गया, लेकिन इसके साथ ही इस प्रेमी युगल को गांव छोड़कर जाने का फरमान भी सुना दिया। इस फरमान को नहीं मानने पर लड़की के घर वालों ने लड़के और उसके परिवारजनों की मारपीट कर दी। इस मामले को लेकर जब लड़की का रुख भी सख्त हो गया, वह अपने परिवार के इस करतूत को लेकर अपने ही परिवारजन को सख्त सजा देने की मांग कर रही है। बता दें कि ये पूरा मामला गुना जिले के धरनावदा इलाके का है। यहाँ कुशवाहा समाज में अपने ही समाज के लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते थे। लगभग 1.5 वर्ष पहले बाद दोनों के परिवार वालों को पता चली तो लड़की के परिवार वालों ने उसके साथ मारपीट की। गुस्साई लड़की ने पुलिस बुला ली। पुलिस के सामने पूरा मामला आया तो लड़के को भी बुला लिया गया। लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार था। समाज की पंचायत बैठी तो ये तय हुआ कि दोनों एक ही समाज के हैं, दोनों को शादी कर देना चाहिए, लेकिन पंचायत ने यह फैसला भी सुना दिया कि शादी के बाद वह गांव में नहीं रहेंगे। इसके बाद वह दोनों गुना में आए और कोर्ट मैरिज कर ली। हालांकि शादी के बाद दोनों वापस अपने गांव भी ही पहुंच गए और वहीं रहने लगे। ये बात लड़की के परिजनों को नागवार गुजरी। इसके साथ ही पंचायत का आदेश नहीं मानने पर लड़की के परिजनों ने लड़के के घर वालों और उसके धमकाना भी शुरू कर दिया। वह उन पर गाँव छोड़कर चले जाने का दबाव बनाने लगे। इसी बीच गुरुवार रात लगभग 9 बजे लड़की के पिता और भाई ने अन्य लोगों के साथ मिलकर लड़के और उसके पिता के साथ भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में लड़की का पति, उसके ससुर और देवर गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद वह जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। मारपीट करने वाले लोगों में लड़की के परिवार के कई सदस्य शामिल थे। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं लड़की 7 माह की गर्भवती भी है। वह अपने पति की जिंदगी की दुआएं मांग रही है। वह कानून से उसके पति और परिवार पर हमला करने वाले लोगों को सख्त सजा दिलाए जाने की मांग कर रही है। क्या घटना हुई है? कुछ नहीं, पापा बाजार में जा रहे थे तो वो लोग रास्ते में थे, उन्होंने पापा के गाड़ी चल चलते पीछे से लट मार दिया। कौन लोगों ने? उन्हीं लोगों ने। कौन है? अरे वो यार संतोष और बल्लू नाम था उन दोनों का, और बल्लू को लड़का भी था साथ में। गांव के ही है? हाँ, गांव के पड़ोसी है। विवाद किस बात पे चल रहा है? विवाद कुछ नहीं है कि उनकी लड़की थी, उसके मैंने कोर्ट मैरिज किए, सबके राजीनामा थे। उसके दरबार में बकायदा पंचनामा बनाया, सरपंच को बुलाया, गांव के 5 लोग बुलाए, उन सबके साइन लेकर पूरी राज में खुशी थे, उसको मेरे साथ विदा कर दिया। उसके बाद उन्होंने धमकी दी कुछ दिनों बाद कि गांव छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, सब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो हमने कंप्लेन भी की है कोर्ट में, मैंने कोर्ट में कंप्लेन भी की थी। उन्होंने बढ़िया कंप्लेन लिख के पूरी बकायदा हमको दी थी कि जब भी आपको दिक्कत आए ना तो हम ये कंप्लेन कर देना। अब उन्होंने ऐसी घटना की है दोबारा, उन्होंने पापा को मारा, अकेले थे वो 3 लोग थे। अगर पापा चिल्लाएगा तो हम दोनों भाई बात कर रहे हैं, तो उन लोगों ने हमें ही मारा था। की थी आपने? और 2 साल होने वाले हैं शायद, 1.5 साल हुआ अभी ज़्यादा। पूरे लोग कितने थे? तो दोनों आप बालिक हैं? हाँ बालिक हैं, लड़की की मर्जी से सब कुछ हुआ था। तो परिवार वाले राजी थे उस समय? उस समय राजी थे, बकायदा उन्होंने पंचनामा बनाया था, सबने साइन किए थे, सब कुछ राजी से हुआ था। अच्छा, गाँव की है, पास में रहते हैं, दूरी पर रहते हैं? गाँव की, 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर की है, समाज की। आप कौन कौन घायल हुए? घायल हुए मैं, मेरे पापा और मेरा भैया। क्या क्या नाम है? मेरे पापा का नाम है कैलाश नारायण कुशवाहा, मेरा नाम है संदीप, जिस जो मैंने शादी की थी लड़की, और ये मेरे भैया है। लड़की क्या नाम है? सीमा। अभी कहाँ है वो? वो घर पे है, उसको मतलब मेरे घर पर नहीं, वो किसी मेरे रिश्तेदार है, मतलब अपने पास नहीं, उनके घर पे छोड़ दिया, कहीं आकर उसको मारे थे, वो हमारे घर पे नहीं है। अच्छा, आपने ही छोड़ दिया? वैसे तो आपके पास ही रह रही है वो अभी? हाँ मेरे पास ही है वैसे तो, पर तो हो सकता है वो लोग आकर उसे मारने लगे, कहीं इसलिए हमें दूसरे घर पे छोड़वा दिया। किस किन लोगों ने मारपीट की है, क्या नाम है? मारपीट की है सीमा के पापा बल्लू ने, उसके भाई ने। नाम मैं पता हुआ सीमा के पापा का नाम है बलवंत कुशवा, उसके भाई का नाम है नरेंद्र, उसके चाचा है छोटे, उनका नाम है संतोष, उसके और उसके बड़े पापा भी हैं जिसका नाम है कमल जी, और संतोष का लड़का उसका नाम है मोहित। किस चीज़ से मारपीट की है आप लोगों से? एक वो संतोष वो बल्लू के पास थी, बाकी लोहे की रोड उसको सब्बल बोलते हैं वो था उसके पास, और बाकी सबके पास डंडे थे, उसके पास संतोष के पास। तो उनका ये कहना है गांव छोड़ के चले जाए? हाँ मुझे बोलते हैं गाँव छोड़ के चले जाए, जहाँ से मारते हैं मारना चाहते हैं। पुलिस में कंप्लेंट की है आपने? अभी वो हेल्पलाइन पे जाके अभी भाई साहब करके आया था, मैं तो कल यहाँ पे फीमेल चल रहा था। कौन सा थाना है आपका? थाना कौन सा? धरनावदा थाना। गांव कौन सा है? धरनावदा।
धन्ना होती गाँव।